हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जंप सर्च होता क्या है सो so जनरली हमारे पास दो तरह की सर्चिंग एल्गोरिथम्स हैं जो हम जनरली यूज करते हैं जैसे सबसे पहले हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज लीनियर सर्च एंड द सेकंड वन इज योर बाइनरी सर्च सो so, जो बन जो लीनियर सर्च है और जो बाइनरी सर्च है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है जितने भी एग्ज़ाम्स में चाहे वो गेट हो चाहे यू जी सीनेट हो जितने भी एग्ज़ाम है उन सब में लीनियर सर्च आता है लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी सर्चिंग एल्गोरिथम्स हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं पता जैसे अगर हम लीनियर सर्च की बात करते हैं तो लीनियर सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज ऑफ एन और इन द सेम वे जब हम बाइनरी सर्च की बात करते हैं इनकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है डिफ्रेंस क्या रहते हैं जनरली so हम लीनियर सर्च हम तभी कर पाते हैं जब जो डेटा है चाहे वो सॉर्टेड हो या फिर अनसॉर्टेड हो राइट वेदर डेटा इज ऑलरेडी सॉर्टेड और इट कैन बी अनसॉर्टेड राइट इन द सेम वे जब हम बाइनरी सर्च हम तभी लगा पाते हैं जब जो डेटा है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है अगर वो सॉर्टेड है तभी हम उसमें बाइनरी सर्च बना पाते हैं उसको यूज़ कर पाते हैं लेकिन यहाँ पर एक और हमारे पास जो सर्चिंग एल्गोरिथम्स हैं विच इज़ कॉल्ड एज जंप सर्च जो जंप सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है अंडर रूट ऑफ एन और ये हम तभी बना पाते हैं बट द डेटा इज ऑलरेडी सॉर्टेड जब आपके पास डेटा पहले से ही सॉर्टेड है तभी आप यहाँ पर जंप सर्च आप सो कर पाते हैं तो लेट अस सी कि एल्गोरिथम कैसे काम करती है

और इसमें एम की जो वैल्यू जस्ट फॉर समझाने के लिए मैं इसकी वैल्यू को कंज्यूम कर रहा हूँ दिस इज इक्वल टू फोर ओके और जो नंबर जो हमें सर्च करना है दैट इज़ फिफ्टी फाइव डू इज ये जो जम्प साइज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम फ्यूचर में आपको बताऊंगा कि जम साइज क्या होता है और कितना किसी भी सर्चिंग जो हम जम्प सर्च हमें करने के लिए जम्प साइज ऑप्टिमल जम्प साइज यहाँ पर क्या होगा सोट लेट दिस एलिमेंट और यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे टोटल फोर एलिमेंट्स आते हैं और हम यहाँ पर ये जो एलिमेंट है हम इसकी वैल्यू कंपेयर करेंगे विथ फिफ्टी फाइव सो यू कैन सी दिस फिफ्टी फाइव इज़ यू नो इज़ बिगर एज कम्पेयर टू टू राइट बिकॉज हम ये जो फिफ्टी फाइव जो है वो टू से बड़ा है इस वजह से वट एवर डो इज़ आई विल गो टू द नेक्स्ट एलिमेंट और यहाँ से अगेन जम्प we'll

दिस इज फिफ्टी फाइव इज नॉट बिगर देन वन फोर्टी फोर ये ऐसा नहीं है राइट अब बिकॉज हमने क्या किया यहाँ पर दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस द सेकेंड टाइम दिसर्ड टाइम और इस लोकेशन पर हमें पता चला कि ये जो वन फोर्टी फोर है बिगर देन फिफ्टी फाइव तो यानी कि अब हमें करना ये है कि ये जो हमारे पास एक पूरी नंबर यहाँ पर रही है अब यहाँ पर हम यहाँ पर लीनियर सर्च हम यहाँ से लगा सकते हैं सो दैट मीन्स आई विल टेक दिस वैल्यू विच इज फिफ्टी फाइव

और उसके बाद हम उस स्पेसिफिक लोकेशन पर पहुंचने के बाद हमें लीनियर सर्च हमें यहाँ से करना है राइट दिस इज द लोकेशन जहाँ पर हम यहाँ पर लीनियर सर्च हम यहाँ से निकालते हैं राइट right? अब इसकी जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ से निकलेगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी राइट सो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें दो चीजें हमें पता होना चाहिए सबसे पहला आपका जंप का साइज कितना है एंड व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट वी हैव द वर्स्ट केस इन द वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक या तो कोई नंबर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी दिस इज द फर्स्ट केस या फिर अगर आपको सर्च हो रहा है और लास्ट लोकेशन तक अगर आप यहाँ पर अगर आपको सर्च करना पड़ सकता है तो इस दोनों चीजों केसेस को लेने के बाद हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम यहाँ से निकालेंगे अब जैसे इस पूरे केस में आप चेक कर सकते हो टोटल आपके पास सिक्सटीन एलिमेंट्स हैं तो कितनी बार आपको जंप कितना हो सकता है टोटल यू कैन सी टोटल फोर टाइम्स राइट सो दैट मीन यू कैन डू इज टोटल आपके पास अगर एन एलिमेंट है उसको अगर हम एम से डिवाइड करेंगे राइट right? तो यानी कि टोटल जो वैल्यूज यहाँ से निकलेगी दैट इज़ सिक्सटीन डिवाइड बाई फोर विच इज़ इक्वल टू फोर ओनली यानी कि हमें फोर टाइम्स हम यहाँ पर जंप कर सकते हैं जैसे ये जंप नंबर वन ये जंप नंबर टू जंप नंबर थ्री दिस इज जंप नंबर फोर और उसके बाद ऑन दिस लोकेशन वी कैन अगेन डू अ लीनियर सर्च राइट सो इन द वर्स्ट केस आपको जंप कितना करना हो सकता है विच इज़ एन डिवाइड बाई एम प्लस उसके बाद हमें लीनियर सर्च करना हो सकता है तो लीनियर सर्च जो आपके पास होगा दैट इज गोइंग टू बी एम माइनस वन राइट यानी कि इस लोकेशन से दिस वन दिस वन एंड दिस वन हमें यहाँ पर लीनियर सर्च हमें यहाँ से करना हो सकता है तो यानी कि जो टोटल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट इज़ बिग ऑफ एन डिवाइड बाई एम प्लस एम माइनस वन इस पूरी एल्गोरिथम का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इस एम को निकालना कि जंप साइज यहां पर क्या होगा अब जो जंप साइज है इसकी वैल्यू को निकालने के लिए जो हम एक वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑफन राइट सो अगेन यू कैन सी ये जो मैंने आपको बताया था दिस इज एन एन इज रिप्रेजेंटिंग टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द जम्प साइज राइट एंड टू फाइंड द ऑप्टीमल जो मैं बोल सकते हैं यहाँ से ऑप्टीमल दिस कॉल्ड एस ऑप्टीमल जम्प साइज दैट इज इक्वल टू एम ये हम तभी निकाल पाएंगे जब हम इसको हम डिफेंसीशन करेंगे और इसको हम जीरो से इक्वल करेंगे सो इफ यू चेक दिस वन अगर हम डिफेंसीशन की वैल्यू अगर हम निकालेंगे सो यू कैन टेक दिस वैल्यू आप इस वैल्यू को यहाँ से ले सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ डिफेंसीशन यू कैन फाइंड दिस वैल्यू right so that means which is minus of n divided by m square plus one or to get optimal to get optimal size jump size then you have to equalize with zero so which is minus n plus m square divided by m square which is equal to zero right so you can say minus m plus

नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स यहाँ पर होंगे सो द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट वी हैव इज 16 एंड यू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम तो एम की वैल्यू कितनी होगी दैट इज अंडर रूट ऑफ एन व्हिच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 और यू कैन से 4 तो यानी कि जो ऑप्टिमल जो साइज होगा कैसे द ऑप्टिमल जंप साइज इट शुड बी अंडर रूट ऑफ एन राइट सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नाउट सी ये जो एल्गोर्थम है वो किस तरीके से काम करता है एंड यू गेट सम गुड आइडिया सो यू कैन सी दैट वी है एक अरे है एंड इन दिस अरेव टोटल ऑफ टेन एलिमेंट्स राइट सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट वी है यहाँ पर टेन इसको एज्यूम किया है एलिमेंट so जो हमें यहाँ से सर्च करना है सो लेट मी एज्यूम दैट वी हैव ट्वेंटी वन तो हमें ट्वेंटी वन हमें यहाँ से सर्च करना है ओके एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर अरे तो ये अरे हम यहाँ से इसको रिज्यूम कर रहे हैं ओके नाउ यू कैन से इंट एम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन राइट सो यानी कि हमारे पास जो टोटल ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं टेन तो मैं यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ टेन हम यहाँ से निकालेंगे सो विच इज इक्वल टू थ्री तो जो यहाँ से थ्री के इक्वल इसकी वैल्यू होगी ओके नाउ वी हैव वाइल इंट आई इज इक्वल टू जीरो यानी कि आई जो है वो इस लोकेशन पर पॉइंट कर रहा है ओके एंड नाउ वाइल ए आर आर एंड दिस कंप्लीट लोकेशन तो इस लोकेशन को हम लोग समझते हैं ये लोकेशन यहाँ से क्या बता रहा है ओके सो इट इज से आर आर ऑफ मिनिमम बिटवीन एम तो एम की वैल्यू कितनी है सो द वैल्यू ऑफ एम हियर इज थ्री कॉमा

सो so, यानी कि हम इस लोकेशन की बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट दिस नाइन कैन से दिस नाइन इज लेस देन ट्वेंटी वन वी कैन से यस दिस कंडीशन इज ट्रू राइट ये जो कंडीशन है वो यहाँ से ट्रू होगा बिकॉज दिस नाइन इज लेस देन ट्वेंटी वन राइट तो अगर ऐसा होगा तो विल गो टू दिस लोकेशन तो वी कैन से आई इज इक्वल टू एम तो यानी कि अब जो आई की वैल्यू होगी वो अब यहाँ पर इस लोकेशन पर पहुंचेगा राइट वी कैन से आई इज इक्वल टू दिस वन ओके and then we can say this location so it is saying m is equal to m plus square root of n so yani ki pehle jo m ki value thi that was 3 and 3 plus 3 is equal to 6 yani ki m jo hai uski value ho jayegi 6 wo ab yahan se 6 hoga and if i is greater than equal to n or not right so you can see ये जो location है i की value कितनी है that is i की value कितनी होगी यहाँ पर so which is equal to 3 राइट right? वो थ्री होगा सो दिस इज थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू टेन एंड दिस कंडीशन इज यू नो दिस कंडीशन इज यू नो फॉल्स राइट सो अगेन वी गो टू दिस लोकेशन हम दोबारा से यहाँ पर पहुँचेंगे एंड नेक्स्ट टाइम अगेन वी आर गोइंग टू एक दिस कंडीशन इज मिनिमम बिटवीन द वैल्यू ऑफ एम एम की वैल्यू हो जाएगी आपके पास सिक्स कॉमर टेन अगेन माइनस वन राइट सो दैट मीन्स अब हम चेक करेंगे ए आर आर ऑफ थ्री आई मीन

दैट इज़ फॉर जम्प ये जम्प के लिए यूज़ किया गया है पहला एंड द सेकेंड बाय लूप इज इज़ फॉर यू नो लीनियर सर्च तो हम यहाँ पर लीनियर सर्च के हम इसको बनाया है राइट right? यानी कि जो लोकेशन है हमारे पास अगर उसके बाद हमें एलिमेंट नहीं मिलेगा राइट आई मीन इफ यू गोड सम लोकेशन देन हम लोग यहाँ पर लीनियर सर्च को हम यहाँ से निकालते हैं राइट right? अब बिकॉज हमारे पास एग्जैक्टली exactly जो हमें नंबर चाहिए थे वो एग्जैक्टली ट्वेंटी वन पर ही हमें सर्च करना था और ट्वेंटी वन जो है वो फिफ्थ लोकेशन पर ही हमें यहाँ से मिल गया है तो यानी कि हम इस वाइल लूप से हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे एंड विल चेक इफ ए आर इज इक्वल टू एक्स आर सी यस वो यहाँ से मैच हो गया एंड कैन सी दिस इज द लोकेशन हम रिटर्न आई यानी कि हम इस लोकेशन फाइव को रिटर्न करेंगे कि येस ये जो कंडीशन है वो यहाँ से मिल गई है राइट सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस अगर मैं इसको और थोड़ी क्लैरिटी से अगर आपको बताता हूँ तो यानी कि सबसे पहला ये जो वाइल्ड लूप है ये हमने जंप के लिए हमने यूज़ किया है और ये जो है ये हमने यू नो सर्च के लिए हमने यहाँ से लीनियर सर्च के लिए हमें यहाँ से बनाया है जब लेटस एज्यूम एग्जाम्पल अगर एज्यूम करते हैं कि मैं यहाँ से थर्टीएथ लोकेशन पर पहुँचता हूँ राइट right? तो सबसे पहले हम आई की वैल्यू को हम यहाँ एज्यूम करेंगे ओके okay? और जो हमारा एम की जो वैल्यू होगी दैट इज यू नो दैट विल बी इक्वल टू थ्री राइट दिस इज रिप्रेजेंटिंग एम तो यानी कि सबसे पहले हम यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे ओके एंड कैन से दिस नाइन राइट इज जो हमें नंबर हमें चाहिए थर्टी थर्टी इज यू नो बिगर देन नाइन राइट तो इस दोबारा से हम इस लूप पर हम दोबारा से पहुंचेंगे और अगेन विल जंप तो हम दोबारा से इस लोकेशन से लेकर एंड विल गो टू तो दिस लोकेशन राइट right? और हमें इससे कंपेयर करेंगे ट्वेंटी वन से यू कैन सी यहाँ से ये यह जंप हो गया राइट right? तो यहाँ से भी जंप हुआ राइट आई मीन फ्रॉम हियर टू हियर हमने इसको कंपेयर किया तो ये भी जंप होगा और जंप हुआ तो यानि जो नेक्स्ट हमारा सर्च होगा वो थर्टी से लेकर आई मीन दिस लोकेशन यहाँ पर और बिकॉज ये जो कंडीशन है ये कंडीशन है वाइल्ड लूप की वजह से ये यहाँ से जंप हो जाएगा आई मीन दिस विल बी फॉल फॉल्स और इस लीनियर सर्च से बिकॉज दिस लीनियर सर्च हम यहाँ से इस लोकेशन से हमें लीनियर सर्च हम यहाँ से करें करेंगे ओके सो इन दिस वे यू कैन जस्ट यू नो गेट दिस वैल्यू फ्रॉम हियर ओके यानी कि जब हम थर्टियथ सर्च करेंगे तो थर्टियथ के लिए हमें यहाँ पर लीनियर सर्च इस वाले कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर यूज करेंगे ओके और ये वाला सिर्फ होगा आपके लिए जम्प के लिए सो इन दिस वे यू कैन फाइंड अ जम्प सर्च सो कैन सी जम्प सर्च इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग तो यानी कि अगर मैं दोबारा से आपको बताता हूँ यानी कि जब लीनियर सर्च जब हम लोग करते हैं लीनियर सर्च तो लीनियर सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज बिग ऑफ एन राइट right? बिकॉज ये तभी आप कर पाएंगे जब डेटा इज ऑर्डर्ड एंड इट कैन बी अनऑर्डर्ड इन दोनों केस में हम यहाँ पर लीनियर सर्च हम यहाँ से निकाल सकते हैं जब हम यहाँ से बाइनरी सर्च की बात करते हैं तो बाइनरी सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट बिग ऑफ लॉग इन लेकिन तभी आप इसको निकाल सकते हैं जब डेटा इज ऑर्डर्ड वो ऑर्डर्ड है यानी कि अनऑर्डर्ड हम इसको अलाउड नहीं करते राइट इन द सेम वे जब हम जंप सर्च की हम लोग बात करते हैं So the time complexity is big of n, I mean root n, and ye tabhi aap kar when the data is ordered, right? So I hope you understand what do you mean by jump search. I hope you like this video, and if you like this video, please subscribe.